एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अन्य। तो आज की वीडियो अच्छी होने वाली है। आज क्या होने वाला है, क्या होने वाला आज? आज होने वाला है माय मेकअप ट्यूटोरियल, क्योंकि मैं इतने दिनों से नॉर्मल वीडियोस तो ज़रूर ला रही हूं, लेकिन मैं मेकअप ट्यूटोरियल नहीं ला रही। और आप लोगों ने इंस्टा पर पूछा था कि आप मेकअप कैसे करती हैं इतना अच्छा। तो लेट्स स्टार्टिंग टू वीडियो। शुरू में हम लगाएंगे वीडियो पे प्राइमर, ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे हमेशा के लिए। नो, फर्स्ट ये नहीं लगाएंगे, फर्स्ट लगाएंगे हम स्किन। मैं अपनी स्किन के अभी तो ज़्यादा जरूरी होती है। और ये जो आप देख रहे हैं मेरा नवा मिरर है, जिसमें मैं पूरा करती हूँ। देखो मैं लगा ली। तो अब हम अपनी लिप केयर करेंगे। लिपस्टिक मैं लिप बॉम लगा रही हूँ और ये बहुत अच्छी है। चलिए अब प्राइमर लगाते हैं। ठीक है, हमने ऑलवेज हमने लगा दी है ट्रीटमेंट्स, तो हमें इतनी ज़्यादा प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। बस उन जगहों पे लगाएं जहाँ पर आपको ज़रूरत है। अब हम जो फाउंडेशन लगाएंगे फर्स्ट फिट में, और हम ब्लेंड किसी ब्लेंडर से नहीं करेंगे, अपनी फिंगर से करेंगे, क्योंकि फिंगर्स को ही तो हमने यूज करना है। ब्लेंड कर देते हैं। आप देख सकते हैं फुल फेस पे लगा लिया है। अब नेक्स्ट जो हम चीज़ लगाएंगे बीबी क्रीम का, नहीं आई
मैं एक बॉक्स करके डाल दूँ उसके इसने मेरा ग्लोइंग अच्छी किया, मतलब ये लाइट ब्राउन कलर की है मेरी फिटनी की फाउंडेशन, तो ये मतलब आपकी स्किन को वो कर देती है कंट्रोल। अपने फेस में फाउंडेशन की तरह इसमें बहुत अच्छा कलर भी लाई है, लेकिन ये बेबी क्रीम इंतहा से ज़्यादा अच्छी है। रेसिपी मेरी अच्छी तो बहुत हो रही है, एक मिनट मैं रिंग लाइट को थोड़ा सा नीचे करके रख लूँ, क्योंकि मेरी ग्लोइंग बहुत अच्छी हो रही है और मेकअप इससे बहुत अच्छा हो सकता है। तो चलिए अब हम अपना बेबी पाउडर लगा लेते हैं, गोल्ड का E6142। तो मैं बेबी पाउडर लगाऊंगी और मैं अपनी दराज खोलती हूँ भाई, उसकी दराज खोल के अपना ब्रश निकालती हूँ, क्योंकि ये मतलब इसकी ब्रश मैंने ब्रश निकाली है मैंने। आप देख सकते हैं कितना अच्छी ग्लोइंग आता है ये, आप कितना फिगर लिए इतना का जितना मुझे चीज़ें मिली है। रिंग लाइट को हम बंद करते हैं, आपको बिल्कुल नहीं दिखने में। चलिए फिर मैं आगे बता देती हूँ, कर्लिंग अच्छी है नहीं। Thank you.
ब्लश लगाऊंगी। ये ब्लश के साथ, इसमें दो कलर ब्लश के हैं, दो कलर आई शेड के। मैं ब्लश लगा लेती हूँ, तो अगर मैं लगा रही हूँ तो इनमें से मैं पीच एंड पिंक को मिक्स करूँगी। पीच ये वाला कलर और ये वाला कलर मिक्स करके लगाऊँ। बहुत अच्छा ब्लश लगा मेरा, जैसे मैं चाहती हूँ। दोबारा ये यूज करेंगे साथ में। तो ये मैं अपने जो मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं, ये आप डेली अपने घर में कर सकते हैं। मतलब जिनको मेकअप का शौक है, मैं तो मेकअप को पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा। आपको लगा मैंने दूसरे चीक में लगाया है, लेकिन नहीं, ये हमारी फाउंडेशन का कमाल है कि लग रहा है कि चीक से लगाया है। ये नेचुरल लुक कर सकते हैं आप। और फिट मी का ये शेड कौन सा है मैं आपको बता दूँ, 220। आप जाके ज़रूर फिट मी की फाउंडेशन लें, यार बहुत अच्छा शेड लाती है। अभी हाईलाइटर भी लगा दिए, चलिए दोबारा अब दूसरे चीक पर लगाते हैं। गाइस 12 मिनट तो ऐसे ही हो गए। ब्लश इज कंप्लीट। तो अब आप सोचें कि मैं कौन सा लगाऊं। आपको पता है कि ये जो स्टिलमेंस है हाइलाइटर की जगह पे है, चलिए स्टिलमेंस लगाएं, मतलब हाइलाइटर लगाएं। क्लियरली मेरा सब मेकअप नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से, एकदम मुझे क्लियर नहीं दिख रहा। मैं आधा मेकअप हो गया है, अब आईज की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं 4 तरह की लिपस्टिक लगाऊंगी, लाइट ब्राउन, पिंक, ओ पिंक का वो ढक्कन, लाइट ब्राउन नहीं ब्राउन, ओ खुल कैसे रखते हैं, पिंक, रेड, पर्पल, ये 4 शेड्स लगाने वाली हूँ। अब आप देखिएगा कि कैसी है, मुझे अभी तक का बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब आई शेड के लिए मैं ब्रश निकालती हूँ, मैंने निकाल लिया। अब इसको अदरवाइज बंद करते हैं। अब मेरे पास हैं कुछ 3 तरह की पैलेट्स, ये इसमें ऑल शेड्स हैं और सेकंड छोटी सी है स्मॉल, इसमें कुछ शेड्स हैं और तीसरी मैंने जैसे आपको बताया था इसमें 2 शेड्स पैलेट के। तो अब मैं फर्स्ट जो लूँगी मैं अपनी पैलेट से लूँगी जिससे मैंने ब्लश लगाया,
तुम सब आज मैंने रेड पहना, तुमसे रेड कलर मेकअप नहीं होना चाहिए। गाइस मैं बहुत प्यारी हूँ कसम से। चीजें कहने में यार गाइस जल्दी करना पड़ेगा। अब मैं ये जो शेड है मेहरून इसका, मैं ये शेड लूंगी मेहरून। आपको बाद में दिखेगा, अभी कभी दिखेगा। देखा मेरा मेकअप अभी कर रही हूँ मैं, तो मैं मैरून शेड पहले लगाऊंगी अपनी आईज की इनसाइड पे, मतलब पूरी लिड पे लगा दूंगी मैं मैरून। उसके बाद अभी आप मेरे कलर्स देख लेना, इसको मैं डार्क कर दूंगी। अब डार्क भी कर देती हूँ। सब मेरा मेकअप देख के हैरान रह जाएंगे। अब मैंने म्यूजिक जो लगाया है ना पीछे, आप समझ नहीं होंगे। व्लॉगिट पे ऐसे म्यूजिक चाहते हैं तो आप जाके व्लॉगिट को जरूर डाउनलोड कीजिए। आपको बहुत अजीब सी दिख रही होंगी लेकिन रियल लाइटनेस तो उसमें है। आपको अजीब सी दिखूंगी वादा करती हूँ, लेकिन जो रियल ब्राइटनेस है ना मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मेरा ये शेड हो गया और मैं इसको थोड़ा फिट करती हूँ। ये शेड हो गया तो अब मैं इस पैलेट के अंदर से ही एक और शेड देती हूँ जो मैंने पहले लिया था ब्लश में भी। अब हम इसको थोड़ा सा इसी के ऊपर ब्लेंड करेंगे। मैं कुछ इसको बंद करती हूँ पैलेट के, ये आपके सामने रखती हूँ। मैं इस छोटी वाली मेरी पैलेट से कुछ कलर लेती हूँ, जिससे मैं थोड़ा सा ग्रे कलर लूंगी। मतलब आप यूट्यूबर हैं या व्लॉगर हैं या फिर कोई भी हैं तो ऐसा मेकअप लुक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके ऊपर हम पूरे इसको ब्लेंड कर देंगे और हम थोड़ा सा और ले लेंगे और उसके इस साइड पर लगाएंगे। I'm so happy, I'm so cute. अब मैं इसी मैं अपनी पैलेट खोलती हूँ और इसको थोड़ा डार्क करती हूँ इनके शेड्स को, ये एक एक
कितना डार्क है और ये कितना लाइट हो गया। बहुत प्यारा है यार। मैं दोबारा ग्रे कलर लेती हूँ, दूसरा हमको ग्रे करना। अब मैं इस पैलेट से एक और शेड लेती हूँ, वो है पर्पल। पर्पल पर्पल हम शेड लेंगे इसमें से और उसको मैं इनर की इस पार्ट पे लगाऊंगी। अब हम इस पैलेट को छोड़ देते हैं, हम सबसे शाइनी पैलेट पे चलते हैं, शिमरी आई शेड की पैलेट में। अब मेरी ड्रेस रेड है तो मैं कुछ रेड कलर चूज करूँ, तो मैं इसको एक पाउडर में आया और मैंने ये रेड कलर अपनी इनर पे लगाऊंगी। इसे इनर पे लगाने का क्या करना है, इनर पे लगा देते हैं। ये हम सब से बड़ा शेड ले रहे हैं जो डार्क रेड है और कल का जो मेरी वीडियो आ रही है अमेजिंग सी, उसमें मैंने इस तरह का एक मेकअप किया होगा। गाइस ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, आप लोगों को कुछ एंटरटेन करना मेरा मकसद है। कलर इनर पे लग गया मेरी। अब जाके मेरे इंस्टा को फॉलो करने, उस पर आपको ये लुक्स देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगे। OMG 23 मिनट्स हो गए मुझे। आई मेकअप तो बस कंप्लीट ही ऑलमोस्ट। अब लास्ट में ये शेड यूज करूंगी, सबसे शाइनी शेड, और ये मैं इनर पे लगा दूंगी। बहुत लंबा व्लॉग आया हो, मतलब ये मेकअप ट्यूटोरियल बहुत लंबा है, तो प्लीज़ एंड तक देखना। गाइस मेरा ब्लश और आई शेड पैलेट से सब काम खत्म, अब लिपस्टिक की बारी है, नहीं अब मस्कारा की बारी है। I'm using Wild Mega Volume Mascara. It's very nice. ये बहुत लंबे अरसे तक चल सकता है। मुझे मेकअप करने का दिल चाह रहा है, मैंने कहा आप लोगों से वीडियो शेयर कर दूँ फिर। चलिए अब मेरे लिप्स तो दोबारा ड्राई हो गए, तो अब मैं लूंगी फिलमेंट्स का बहुत अच्छा लिप बाम। फिर जो मैं कलर लगाऊंगी वो होगा ब्राउन। ब्राउन
ब्राउन शेड लग गया। नेक्स्ट कलर में पर्पल यूज करूंगी। अब मैं यूज करूंगी पिंक, नाउ रेड। ये मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड अरिवा ने मुझे गिफ्ट किया था ये लिपस्टिक। और आई मिस यू अरिबा, अगर तुम मेरी वीडियो देखो तो प्लीज लाइक माय वीडियो। मजाक कर रही हूँ यार, बातें क्या करूँ मुझसे बस। तो डन नहीं हुई, बस आखिरी शेड पिंक रह गया। फाइनली डन, मैं सारी की लास्ट लेयर लगाती हूँ। वैसे आप बिलीव नहीं कर सकते, इस मिरर में मैं इतनी अच्छी आ रही हूँ और कैमरे में इतनी बुरी आ रही हूँ। आई डोंट बिलीव इट। वाह, ये क्या मजाक है, मजाक है एक तरीके का। आपको दिखाती हूँ अब सही से। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे इंस्टा को फॉलो कर दें। आमना जैनबिल 07 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। और इस मेकअप में आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी। आप लोगों को दिख रही हूँ मैं, ना प्यारा है मेकअप हुआ है मेरा, और बस मैं कितनी बुरी लग रही थी कैमरे में। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, क्योंकि गाइस मैं आपको खुद कह रही हूँ कि मैं प्यारी लग रही हूँ। बताऊँगी क्योंकि मेरी जो मतलब फुल मेकअप है इन दोनों फाउंडेशन की वजह से वो पॉसिबल होकर कितना अच्छा हुआ है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय। और मेरी दोस्त ये लाइक बनता है जो कल के वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगी आपके लिए। और आज का मैंने वैसे भी मेकअप तो करना ही था, क्योंकि मुझे बहुत देर से हो रहा था कि मुझे मेकअप करना है यार, मेकअप ट्यूटोरियल बनाना है। मुझे कमेंट्स आ रहे थे आपके, तो फाइनली मैंने मेकअप ट्यूटोरियल कर लिया है। और अभी आपको मैं क्लियरली नहीं दिख पाऊँगी,
डिफरेंट कलर्स में मेरे लिपस्टिक है। मैं शीशे में देख रही थी। OMG, बस और इट्स वेरी नाइस। आई होप आपको भी मेरा मेकअप अच्छा लगा। ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक प्लीज प्लीज प्लीज। टिकटॉक को फॉलो करते हैं आमना हुसैन ने भी, नहीं आमना HN12। इसमें मेरी पिक्चर भी लगी हुई होगी और आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ आप इंस्टा पे, जैसे आप लोग मुझे कमेंट कर। पता नहीं आपको दिख रही होंगी, इसमें देखिए कितने अलग अलग शेड्स हैं शिमरी। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। Thanks for watching my video. Long 33 minutes 17 seconds 18 19 20 21 22। अब पता नहीं आप लोग क्या कहें मुझे, मेरा मेकअप अच्छा लगा या नहीं आप जल्दी से मुझे बता दें। मुझे कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा जितना और मेरे इस पे आ रहा है। बाय। और मैं आपको लास्ट टाइम अपनी चीजें वो कर देती हूँ।
बहुत ज़्यादा इसमें शेड्स हैं जिसको मैं खत्म कर चुकी हूँ। इतना नहीं नहीं एक और सामान भी है, माय लवली पैलेट जिसपे शेड पास। एक चीज भूल गई गाइस, मैं पागल हूँ, मैं हाइलाइटर को इधर लगाना था मैंने। व्हाइट हाइलाइटर है।